ये औकात है इंडिया में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाश्ता गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है। और जो बच्चों का सामान होता है प्रैक्टिस करने का, हर्डल्स वगैरह इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको तोड़फोड़ करके फेंक दिया जाता है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ दे वल्लों दिल इल्यूमिनाटी टूर के भारतीय दौरे के दौरान दिल्ली च शो का आयोजन किया गया सी। शो दौरान लखा की गिनती दे विच दर्शक उचेचे तौर पर पहुंचे सन। इस दौरान हर कोई दिलजीत दोसांझ के गाणियां ते थिरकता होया विखाई दिता। इस शो का आयोजन दिल्ली के जवाहर लाल नहरू स्टेडियम विखे किया गया सी। शो तो बाद स्टेडियम च प्रैक्टिस करन पहुंचे एक खिडारी दे वल्लों स्टेडियम के ताज़ा हालातों की वीडियो साझी की गई, जिस स्टेडियम के चार चुफेरे सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा खिलरिया होया विखाई दिता। खिडारी दे वल्लों शो च आए दर्शकों से इल्ज़ाम भी लगाए गए कि दर्शकों के वल्लों खिडारियों के समान की भनतोड़ भी की गई और बीते 10 दिनों तो खिडारियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम बंद किया गया सी, जिस तरह खिडारियों को वड्डा नुकसान होया। खिडारी ने कहा जे अजिहे प्रबंधा के चलदियां ही देश साडे तो ओलंपिक्स मैडलों की आस लगाउंदा है तो आप ही 10 दिन अधिकारी कि असी किवें प्रैक्टिस कर पावांगे। ये औकात है इंडिया में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाश्ता गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है। और जो बच्चों का सामान होता है प्रैक्टिस करने का, हर्डल्स वगैरह इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको तोड़फोड़ करके फेंक दिया जाता है। और 4 साल बाद जो सोशल मीडिया पे विद्वान है उनको याद आएगा कि ओलंपिक्स भी कुछ होता है, इंडिया के मेडल क्यों नहीं आते, इतनी पॉपुलेशन है, इसलिए नहीं मेडल आते क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को जो इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती।